फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन, जो कार्डिगन में, लेडीज स्वेटर, जेंट्स, बच्चों में, किसी में भी डाल सकते हैं। और ये बहुत आसान है, 6 रो का है और 6 स्टिचेज इसमें लगते हैं, यानी 6 सिलाई और 6 फंदों दोनों मिलके एक बहुत सा सुंदर सा डिज़ाइन, और बनाने में भी आसान है। ये इसका फ्रंट साइड है बिल्कुल। आइए हम इसके बनाते हैं। इसके लिए मैंने 20 फंदे लिए हैं और यहाँ आप एक एक्स्ट्रा नहीं, कम से कम 3 डालिए स्टार्टिंग में। और फर्स्ट रो है ये, बॉर्डर के बाद आप फर्स्ट रो इस तरह से बना सकते हैं, प्लेन सीधा, जो हम बुनाई करते हैं सिंपल, सीधे उल्टे। ये हमारा डिज़ाइन का फर्स्ट रो है, पूरी तरह सीधा बनाइए इसी तरह बनाते हुए। ये मेरा सेकेंड रो है, सेकेंड रो आपको इस तरह से पर्ल वाइज उल्टा बनाना है। इसी तरह बनाते हुए आप सेकेंड रो को भी कंप्लीट कीजिए। थर्ड रो फिर सीधा बनेगा, फोर्थ रो उल्टा बनेगा, यानी हमें 4 सिलाई सीधे उल्टे में पुरानी है, जो मैं आप कंप्लीट करती हूँ, आप भी कर लें। ये देखिए, ये हमारा 5th रो, 4 सिलाई मैंने सीधे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 5th रो है और 5th और 6th रो में ही आपका डिज़ाइन होगा। आप इस तरह से ये इसे ध्यान से देखिए, 1 2 3, हमें कम से कम डिजाइन स्टार्ट करने से पहले 3 फंदे को बनाने होंगे। और अब देखिए, ये 2 सीधे फंदों में डिजाइन होगा, इस दोनों के बीच में जो हमें, ये इसमें नहीं और इसमें नहीं, इस दोनों के बीच में 1 2 3 4 4 फंद इस तरह से डालना है, एक लूप निकालना है, इसे हमें लेफ्ट सिलाई पे डालना है और बैक से डालते हुए ये देखिए, फिर सेम उसी जगह पे हमें दोबारा डालनी है और इसे भी, और इस सीधे फंदों के साथ ये देखिए हमारा डिजाइन बन गया। 5th रो में ही सिर्फ डिजाइन बनेगा और 4 सिलाई प्लेन बनेंगे। इसके बाद 2 सीधे फंदे में बनाने के बाद, हमने स्टार्ट में 3 सीधे लिए, लेकिन अब हमें 4 लेने, 1 2 3 4, सेम वही चीज, 1 2 3 4, 4 में से बीच फंदों से, 2 फंदों के बीच वाले जो होल हमें दिखता है उसमें से एक लूप निकालना है, इस तरह लेफ्ट सिलाई में डाल के बैक से डालते हुए, फिर सेम उसी जगह से दूसरा निकालना है, इसे भी हमें इस तरह डालना, और ये सीधे फंदे लेते हुए 2 को 1 करते हुए ये देखिए, फिर हमें 4 प्लेन सीधा, 1 2 3 4, सेम वही चीज करना, 1 2 3 4, बहुत आसान है और सिर्फ 2 सिलाइयों में आपको टाइम लगेगा, इसलिए ये पैटर्न जल्दी बन जाते हैं। इसे भी देखिए, ये साइड में भी हमें 3 बचे हैं, 1 2 3, 5th रो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आपको 6th रो में भी ध्यान देना है, इसी में हमारा डिजाइन होता है। ये जो 2 गांठ आए हैं, इसे हमें एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड दोनों करना है। ये देखिए हम कैसे करते हो, ये तो हमारा प्लेन है, इसे हमें प्लेन बना लेना है। और ये जो 2 हमने बनाए थे, सॉरी, इसे देखिए प्लेन नहीं बनाना है, इससे हमें इधर से आगे की साइड लानी है, ये देखिए, और इस 3 को हमें उल्टा बनाना है, ये 3 उल्टे बन गए। और ये दूसरे गांठ जिस पे हमने डिजाइन बनाया था, इसे भी उधर करना है,
लेकिन इसे देखिए दोनों सीधे साइड से हो, इसीलिए हमें इसे इस तरह से करना है। फिर इसे भी हमें उल्टा बनाना है, ये देखिए एक इधर और एक इधर आके दोनों एक खूबसूरत सा डिजाइन बन गया। अब फिर वही चीज है, ये दो जो जिसमें डिजाइन बने एक को हमें राइट साइड लाना है, दूसरे को लेफ्ट साइड। लेकिन उसको लाने के लिए देखिए इस साइड को आगे से करते हैं और इसे उल्टा बनाना प्लेन, फिर इससे ये देखिए बहुत सिंपल है और बहुत खूबसूरत। फिर यहां भी देखिए दो गांठ आ चुके हैं, इसे हमें सीधे साइड से लेना है। फिर उल्टा बनाना है और इसे ये देखिए छोटे छोटे सुंदर से डिजाइन उभर के आ चुके हैं हमारे। ये हमारा डिजाइन भी कंप्लीट हो गया और अब आपको फिर प्लेन इस तरह से प्लेन सीधा बनाना है, जो हमने फर्स्ट रो में बनाया था, एक सिलाई सीधा एक सिलाई उल्टा करके फोर रो। इसी तरह इस रो को भी कंप्लीट करना है देखिए, और ये हमारा डिजाइन भी बन चुका है। फोर्थ सिलाई प्लेन सीधा उल्टा बनाने के बाद फिफ्थ रो में फिर हमारा यही डिजाइन सेम रिपीट होगा और इस तरह से करते हुए हम इस तरह का हमें डिजाइन मिलेगा। बहुत सुंदर, बहुत आसान और आप किसी भी प्रोजेक्ट में से अप्लाई कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।